गोहाना में रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के बैनर तले 6 घंटे की भूख हड़ताल पर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाली 14 जुलाई को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी रणनीति को लेकर आंदोलन किया जा सकता है। गोहाना में रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले 6 घंटे की भूख हड़ताल की। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 6 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में अफसरशाही का राज है, उच्च अधिकारी सरकार व यूनियन के बीच हुई वार्ता में मानी गई मांगों को पूरा नहीं कर रहे। साल 2018 में कर्मचारियों के विरोध के बावजूद किलोमीटर योजना की बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल की गई। साल 2023 में ऑनलाइन के बहाने कर्मचारियों के इधर से उधर तबादले कर दिए गए। देखिए, हमारी मांगे हैं काफी लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। हमारा चालक परिचालक का पेट बढ़ाने की बात सरकार ने मानी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। हमारी ईद छुट्टियां काट ली गई हैं, हमारा 9 साल का बोनस पेंडिंग पड़ा है। हमारी जितनी मांगे हैं विभाग की और जो भी तो पड़ी है, उनके विरोध में हमारी मांगी हुई मांगों को लागू कराने के विरोध के लिए हम सारे साथी आज पूरे प्रदेश में सजे मोर्चे के आह्वान पर भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो 14 जुलाई को हम मंत्री जी का घेराव करेंगे अम्बाला के अंदर। देखिए जी, हड़ताल तो 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से इस पर प्रशासन से हैवी हो रही है। हमारी जो डिमांडे हैं जिन पर प्लेटफार्म में बात होती है, मांगे मान ली जाती हैं, लेकिन प्लेटफार्म पर उनको लागू नहीं करते। हमारे अर्जित अवकाश हैं उनकी कटौती कर ली गई, जो पेड़ से परिचालक का जो पे ग्रेड है आज से कम 30-35 साल पहले रिवाइज हुआ था, उसके बाद कभी न्यू पिछला चलता रहा है। तंखा बहुत कम है, महसूस होता है, तंखा बताते हैं भी हमारी तंखा कितनी है। सरकार जनता को रोडवेज के माध्यम से फ्री सुविधा तो दे रही है, लेकिन रोडवेज के खाते में पैसे नहीं दे रही। सरकार की ओर से रोडवेज बसों में 42 श्रेणियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई, लेकिन पैसे जमा नहीं कराए जा रहे हैं। हरियाणा रोडवेज का चालक परिचालक 24 घंटे ड्यूटी करता है, वह दिन रात मेहनत कर रहा है। हर कोई शख्स हरियाणा रोडवेज की बस में सफर करना चाहता है और रोडवेज के चालक परिचालक की प्रशंसा करता है, लेकिन इसके विपरीत सरकार के उच्च अधिकारी रोडवेज के चालक परिचालकों से हार खाए बैठे हैं। वह उनको उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। 33 सूत्रीय मांग पत्र साझा मोर्चा द्वारा 2022 में कई बार दिया गया। कई बार पूर्व परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की गई और उन्होंने मांगे लागू करने का आश्वासन दिया था, मगर उसके बावजूद भी आज तक रोडवेज कर्मचारियों की कोई भी मांग लागू नहीं हो पाई। देखिए, पिछले 3-4 साल से लगातार सरकार के साथ हमारे साझा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग होती रहती है सरकार के साथ और हमारे उच्च अधिकारियों के साथ, और हर मीटिंग के अंदर सरकार द्वारा और अधिकारियों के द्वारा जो कर्मचारियों की जायज मांगे हैं, जैसे हमारे कर्मचारियों का जो वेतन विसंगति है, परिचालक का चालक का पे ग्रेड का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, पुरानी पेंशन के ऊपर सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई देती है, और हमारे 2016 के 300 चालक हैं और 52 हेल्पर हैं दादरी डिपो के अंदर। कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि आने वाली 14 जुलाई को परिवहन मंत्री के आवास पर पहुंचेंगे और घेराव करेंगे। बावजूद सरकार नहीं मानी तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने को कर्मचारी मजबूर होंगे। सुनील जिंदल, गोहाना, टोटल न्यूज।